नमस्ते गाइस, मिस्टर प्रवीण, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और अब तक की जितनी भी वीडियोस हैं, अब तक की जितनी भी प्रैक्टिस हैं, वो आप एक कंटिन्यूस लेवल पर आप उसको कर रहे हैं। सो अब वहाँ से नाउ वी विल कंटिन्यूस विद अवर योगा जर्नी। सो एज यूजली फर्स्ट वी विल बी स्टार्ट विद द थ्री टाइम्स ओम चैंटिंग, देन वी विल बी टॉक अबाउट अवर टुडे टॉपिक। नमस्ते, इन पाम टुगेदर, आईज क्लोज, टेक ए डीप ब्रेथ, इनहेल। Inhale. Make your head, place your palm on the eyes, relax your eyes, gently open eyes, look up at your palm, and then relax. So guys, जो टुडे का जो हमारा जो टॉपिक है सीनियर सिटीजन योगा के अंदर या बिगनर योगा के अंदर या जेंटल योगा के अंदर, यू कैन से एनीथिंग, आज हम जो टॉपिक लेंगे वो टॉपिक लेंगे हम स्टैंडिंग का। अभी तक हमारे जितने भी हमारे जो सीरीज चली वो सभी सिटिंग में था, तो आज से हम एक सीक्वेंस लेके चलेंगे, बड़ा जेंटल सीक्वेंस हम लेके चलेंगे स्टैंडिंग का। लेकिन स्टैंडिंग से पहले जो भी हमारी सीटिंग की जो प्रैक्टिस थी, यू हैव टू बी कंटिन्यूस विद ऑल दैट। मैं हर वीडियोज़ में यही बात बोलता हूँ कि जो पिछली जो प्रैक्टिस है वो आपको कंटिन्यूस रखनी है, उसके बाद यू कैन बी एड मोर। तो आज स्टैंडिंग के अंदर हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे एक सिंपल सा, आपको खड़े रहना, जैसे कि ताड़ासना के अंदर माउंटेन पोज जिसे हम बोलते हैं। तो थोड़ा सा गैप रखिए, माउंटेन पोज की भी वैसे देखा जाए तो बहुत सारे डिफरेंट मॉडिफिकेशंस हैं। तो हम एक सिंपल सी बात करेंगे, थोड़ा सा गैप रखिए आपका 5 to 6 लाइक 5 to 6 inches द गैप इज इनफ। और आपके जो पैर के जो पंजे हैं, जो फिंगर्स हैं, उनको थोड़ा सा स्प्रेड करके रखिए आप, और अपने बॉडी के वेट को पूरा इक्वली आपको ट्रांसफर करना अपने पूरे के पूरे फुट के ऊपर। रिलैक्स रहेंगे, स्पाइन सीधी रहेंगी, और आपका जो हिप है वो थोड़ा सा आगे की तरफ रहेगा। ये टेक्निकल टर्म्स हैं जो मैं कभी कभी, और जो प्रोफेशनल जो मेरे जो कोर्सेज आएंगे, यू कैन बी वर्क ऑन दैट। लेकिन अभी सिंपल ध्यान रखिए, आपको जो हिप है पीछे की तरफ नहीं, आपको हिप को कोशिश करना है ऐसे न्यूट्रल पोजिशन में। आप जो खड़े भी होते हैं, स्टैंड भी करते हैं, तो इसी पोजीशन में आपको स्टैंड करना है, मैक्सिमम नॉर्मल स्टैंड रहिए। तो अभी सिंपल प्रैक्टिस हम करेंगे, सिंपल, बस आपको हील पर जाना है ऐसे, रेज द हील, एंड देन वापस रेज द हील, वापस, देन 3, वापस, देन 4, देन वापस, देन 6, देन रिटर्न, देन 7, देन रिटर्न, then 8, then return, then 9, return, and then 10. Now stay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and then 10. ये जो practice किया, that practice, it's good for your calf stretch, a little for your hamstring, and especially for build up the strength in your legs. बिल्कुल बेसिक सब प्रैक्टिस है, ये आपकी प्रैक्टिस इंप्रूव करेगा आपकी अपकमिंग प्रैक्टिस के लिए। उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे, गैप रखिए अपने हाथों के अंदर, सॉरी पैरों के अंदर। अभी देख लीजिए, नियर बाय 1 meter गैप इज इनफ, और ये डिपेंड्स करेगा आपकी एज पर योर बॉडी हाइट एज वेल। सो गैप रखिए, एक हाथ लेफ्ट हैंड ऑन योर लेफ्ट वेस्ट, कोशिश कीजिए हिप को स्क्वेयर करने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद आपका जो राइट हैंड है, राइट हैंड आप ऊपर लेके जाइए इनहेल के साथ, और एक्सहेल के साथ आप धीरे से बेंड करेंगे लेफ्ट की तरफ। छाती को ज्यादा नहीं निकालना, जस्ट बी नॉर्मल, रिलैक्स द शोल्डर, वापस आइए दूसरी तरफ,
इनहेल और फिर राइट की तरफ एक्सेल। वापस आइए वन टाइम मोर, सेकंड टाइम वी विल बी होल्ड इट, इनहेल एंड एक्सेल, देन वी जस्ट सिंपली जस्ट स्टे। सो यू कैन बी फील द स्ट्रेच ऑन योर होल द साइडवेज, स्टमक को सेम लाइक इन द बिगिनिंग आई टोल्ड यू, स्टमक को लूज नहीं छोड़ना है, आपके स्टमक को कॉन्ट्रैक्ट रखना है। वन ब्रीथिंग नॉर्मल, टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, इनफ। सेम प्रैक्टिस अदर साइड, इनहेल एंड एक्सेल, देन बेंड राइट, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, इनहेल एक्सेल देन रिलैक्स। इफ यू हैव इनफ टाइम यू कैन बी मेक इट टू टाइम्स रेपिटेशन। अब इसी के अंदर विल बी एड वन मोर वेरिएशन, वन मोर मॉडिफिकेशन। दिस टाइम आपको अपना जो लेफ्ट हैंड है ये ड्रॉप करना है लेफ्ट लेग के ऊपर, राइट हैंड ऊपर लेके जाएंगे, इनहेल एक्सेल देन बेंड वन टाइम, इनहेल देन कम बैक एक्सेल रिलैक्स, लेफ्ट हैंड अप इनहेल एक्सेल के साथ राइट साइड, इनहेल कम बैक एक्सेल रिलैक्स वन टाइम मोर, एक बार और इनहेल एक्सेल बेंड करेंगे लेफ्ट की तरफ, स्टे कीजिए, वन ब्रीथिंग, टू ब्रीथिंग, थ्री हिप को ऐसे लूज नहीं करना, फोर फाइव एंड सिक्स, इनहेल आ जाइए वापस, एक्सेल रिलैक्स, देन इनहेल एंड एक्सेल, देन बेंड राइट साइड, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड देन रिलैक्स। एक्चुअली देर आर सो मैनी वेरिएशंस एंड द मॉडिफिकेशंस इन दिस प्रैक्टिस, बट आई विल नॉट टेक यू देयर, वी विल टॉक वेरी सिंपल वेरी जेंटल वेरी इजीली, जो आप अच्छे और एक प्यारे जेंटल तरीके से आप जिसे आप कर सकें। ओके, तो नाउ विल वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट प्रैक्टिस, नेक्स्ट प्रैक्टिस विल गो अ लिटिल बिट फॉरवर्ड फोल्ड। सो फॉरवर्ड फोल्ड के लिए सबसे बेसिक प्रैक्टिस, जस्ट यू हैव टू बी प्लेस योर बोथ पाम ऑन योर नी और ऑन द थाई, हाउ इनहेल एंड एक्सेल के साथ आपको धीरे 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 ऐसे नीचे की तरफ जाना है, प्लेस द पाम ऑन द नी, हिप को पुश कीजिए बाहर की तरफ, लेग्स आपकी स्ट्रेट रहेंगी और आपके अपने घुटने को आपके नी को आपको लॉक रखना है। लॉक करने का मतलब ये नहीं है दैट यू हैव टू बी पुश द नी बैक, नो, ऐसी गलती नहीं करना है, ये हम बहुत बड़ी गलती करते हैं, वी आर डूइंग अ बिग मिस्टेक, वी आर पुशिंग नी सो मच बैक, एक्सटेंशन इन द नी दैट इज नॉट गुड एट ऑल, बस नी को लॉक रखना है लेकिन रिलैक्स रखना है, स्टे देयर, वन टू थ्री फोर एंड फाइव, आ जाइए वापस, इनहेल एक्सेल देन रिलैक्स। अब हम जाएंगे सेकेंड प्रैक्टिस, इनहेल एक्सेल देन डाउन बेंड डाउन, उसके बाद आप कोशिश कीजिए और नीचे जाने की, यू कैन बी होल्ड योर शिन बोन, यू फील यू कैन डू मोर, यू कैन होल्ड योर एंकल, यू फील दैट यू कैन बी डू मोर, यू कैन टच द ग्राउंड विद योर फिंगर टिप, यू कैन डू मोर, यू कैन टच द ग्राउंड विद योर आर्च ऑफ द फिंगर टिप, यू थिंक यू कैन डू मोर, यू कैन प्लेस द पाम, you can place the palm side of the feet, you can fold the ankle and then you can go near to the leg, but aise spine ko sink nahi karna hai, koshish karna spine ko lengthen karna hai, phir dheere 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 you have to be go near to your leg, got it? So you have to practice like that. Okay, might be some of you have this query that if we cannot touch the ground so what we should do, हम उस केस में क्या करेंगे, मैंने आपको ऑप्शंस बता दिए, यू कैन बी होल्ड योर नी, योर हैंड्स ऑन योर शिन बोन, योर एंकल, स्टिल यू आर फाइंडिंग द डिफिकल्टी, सो उस केस में वी कैन यूज द ब्लॉक, हाउ, सो सेम थिंग, यू कैन यूज द ब्लॉक लाइक हियर एंड देन यू कैन डू प्रैक्टिस सेम वे, कोशिश करना है आपको, यू हैव टू बी मैक्सिमम ट्राई टू एक्सटेंड योर स्पाइन, स्पाइन को एक्सटेंड करने की कोशिश करनी है, लेकिन ध्यान रखना यू नेवर हैव टू पुश योर सेल्फ बियॉन्ड योर लिमिट, आप धक्का करेंगे उसके साथ आप फाइट करेंगे, सो इट कैन बी हार्मफुल फॉर योर हैमस्ट्रिंग, और एक बार आपके मसल पुल हो गए दैन इट विल टेक मच टाइम टू हील इट, सो हमें ऐसा वी नॉट टू टेक एनी स्टेप विच कैन बी हार्मफुल फॉर अस, सो धीरे करना है, सहज भाव से करना है,
प्यार से करना है, क्योंकि जो इनिशियल जो टाइम होता है द इनिशियल टाइम एस्पेशली फॉर द बिगनर फॉर द स्टिफ पीपल फॉर द सीनियर सिटीजन इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप प्रैक्टिस बाय प्रैक्टिस थोड़ा टाइम लगेगा बट वंस यू फील दैट यू आर इंक्रीजिंग द फ्लैक्सीबिलिटी विद इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ देन यू कैन गो फॉर द नेक्स्ट लेवल. सो ये हो गया. तो दैट इज अबाउट द फॉरवर्ड फोल्ड. मैंने आपको बहुत सारे ऑप्शंस एंड मॉडिफिकेशन मैंने आपको बताए, सो आप उनका ध्यान रखना है. एक चीज का इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी इसके अंदर आते हैं कि इफ समबडी इज हैविंग द हार्ट प्रॉब्लम और इफ समबडी इज हैविंग द माइग्रेन और सो मच हेडेक हाई ब्लड प्रेशर और किसी को कोई ज्यादा आइस की प्रॉब्लम है और समबडी इज हैविंग द बैक पेन, तो उस केस में आपको आगे झुकने के आसन एस्पेशली द फॉरवर्ड फोल्ड आपको अवॉइड करने. In that cases, you can simple practice only. You can take the block, just try to keep the spine straight only in this level. आप इतना practice कर सकते हैं और या आप अपने palm knee पर रखकर ये practice कर सकते हैं. हाँ, इसी के अंदर मैं आपको थोड़ा से और एक level मैं आपको दे सकता हूँ. I can give you the one more challenging level, like block के साथ भी कर सकते हैं और knee के साथ भी, जैसे कि one on the knee, one and up, 1, 2, 3, 4, 5. Other drop, 1, 2, 3, 4, 5, or both hands up, finger lock, 1, 2, 3, 4, 5, and then come back. So when you will be try with a one hand, and when you try with a both hands up, so in that case, you are combining the practice with your strength. You need the strength in your core, you need the strength in your legs, you need the strength in your hip, you need the strength in your spine. तो मैं आई टॉक सो मेनी टाइम्स कि योगा इज नॉट ओनली अबाउट द फ्लैक्सीबिलिटी, दैट इज ऑल्सो अबाउट द स्ट्रेंथ. आपकी जो फ्लैक्सीबिलिटी है और आपकी जो स्ट्रेंथ है ये हमेशा साथ चलती है. हमें एक चीज पर ज्यादा फोकस नहीं करना है. वी हैव टू बी इक्वली फोकस एंड वी हैव टू बी इक्वली वर्क ऑन द फ्लैक्सीबिलिटी एंड ऑन द स्ट्रेंथ. ओके, सो ये तो हो गया आपका फॉरवर्ड फोल्ड हो गया और आपका हल्का सा एक साइड बेंड की आपकी प्रैक्टिस भी हो गई. तो अभी एक हल्की सी प्रैक्टिस वी गो विद द बैलेंसिंग. बैलेंसिंग प्रैक्टिस द बिगेस्ट बेनिफिट. सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है बैलेंसिंग का? फर्स्ट फिजिकल बेनिफिट दैट इट इंक्रीज द स्ट्रेंथ इन योर बॉडी. कोई भी बैलेंसिंग हम प्रैक्टिस करते हैं वो पर्टिकुलर उस मसल या उस पार्ट के ऊपर आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है. सेकेंड, अगर आप आर्म बैलेंस करते हैं दैट विल बी इंक्रीज द स्ट्रेंथ इन योर आर्म शोल्डर रिस्ट of course the core. अगर आप leg balancing करते हैं so leg balancing is good for increase the strength in your leg, in your spine, in your core, in your hip. So different balancing has a different physical benefit but इसका एक mental benefit भी बहुत है. like balancing practice से आपका focus of mind will be increased, आपका जो concentration की जो practice है that will be increased. आपके घर में बच्चे हैं study करते हैं तो आप उनको बैलेंसिंग की प्रैक्टिस मैक्सिमम करवाइए सो दैट देयर फोकस ऑफ माइंड विल बी इंक्रीज, अवेयरनेस ज़्यादा बढ़ती है उससे. तो हम सिंपल प्रैक्टिस लेंगे बैलेंसिंग के अंदर. द फर्स्ट जस्ट सिंपल बैंड योर राइट लेग, सिंपल बैंड द राइट लेग और उसको हक करना है. वन हैंड से आप हक कर सकते हैं, सिंपल बोथ हैंड से हक कर सकते हैं. आपको लगता है कि आप थोड़ा और जा सकते हैं डीप सो यू कैन बी पुल इट जस्ट इट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. आप जितना उसमें कंफर्टेबली होल्ड कर सकते हैं स्टे कर सकते हैं उसमें स्टे कीजिए. सो दैट द मोर यू स्टे द मोर स्ट्रेंथ विल बी इंक्रीज. बट फोर्स नहीं करना है, फाइट नहीं करना है. सेम प्रैक्टिस अदर साइड. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 and 14. So this is the practice. You can repeat 2 times or 3 times. अब देखिए same practice के अंदर आप level भी और modifications भी आप इसमें increase कर सकते हैं. Like आपने bend किया, आप उसको touch कर सकते हैं और नज़दीक जा सकते हैं. आप one hand से करके आप उसको थोड़ा और bend कर सकते हैं. So you see same practice you can increase a lot of levels. तो लेकिन अभी हम थोड़ा सा जेंटल प्रैक्टिस करेंगे. वी विल नॉट गो ऑन दैट डीपर एंड वी विल नॉट गो ऑन दैट एडवांस प्रैक्टिस. सो आई गिव यू द वन मोर
बैलेंसिंग प्रैक्टिस दैट इज द ट्री पोज. ट्री पोज के लिए आपको मैं कुछ मॉडिफिकेशंस, कुछ प्रैक्टिस स्पोर्ट के साथ में वो भी मैं आपको मैं दूंगा. सो लाइक ट्री पोज में क्या होता है, यू हैव टू बी पुट यूर एनी फुट लाइक आई एम डूइंग फ्रॉम द राइट लेग. आपको राइट फुट जो है आपको लेफ्ट इनर थाई में आपको लगाना है ऐसे इस तरीके से एंड देन यू टू बी स्टे. बिगिनर मेंबर आप उसको राइट एंकल को होल्ड कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड यहाँ रख सकते हैं. आपको लगता है कि आप बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं तो आप उसमें हाथ यहाँ रख सकते हैं चेस्ट के सामने. आपको लगता है कि आप इसमें और बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं सो यू कैन बी टेक द हैंड्स अप. मे बी वीडियो में पूरा हाथ नहीं आ रहा तो आप हाथ भी ऊपर लेके जा सकते हैं, हाथ साइड में कर सकते हैं, हाथ नी पर रख सकते हैं. और अगर आपसे ये भी नहीं हो पा रहा है, इफ़ यू आर नॉट एबल टू डू ऑल दिस स्टफ, तो उसका एक इजी टेक्निक और, आप दीवार के साथ सटके खड़े हो, थोड़ा सा गैप रखिए ऐसे एंड देन यू कैन ट्राई अगेन एंड देन जस्ट स्टे देयर. इनिशियली बैलेंसिंग पोस्चर यू नीड टू बी स्टे लॉन्गर इन द पोज, क्योंकि आप उसमें स्टे करेंगे सो दैट द स्ट्रेंथ विल बी इंक्रीज. आई एम डूइंग फ्रॉम द अदर साइड सेम वे. बिगनर मेंबर अगर आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं किसी रीजन से सो आप हिप को वॉल के साथ लगाकर खड़े हो सकते हैं जैसे मैं खड़ा हूँ लाइक दैट सो दैट यू कैन मेंटेन बैलेंस. अदर ऑप्शंस मैंने आपको बताया. आपको लगता है कि आप बैलेंस बना सकते हैं देन विदाउट स्पॉट यू कैन बी स्टे. फिर भी लगता है कि नहीं आपको हल्का सा स्पॉट चाहिए सो इन दैट केस आप बैलेंस आए और आप वन हैंड से भी आप वॉल का स्पॉट ले सकते हैं ऐसे हाथ यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर जो भी आपको मॉडिफिकेशन वेरिएशंस जो भी आपको ठीक लगे. फिंगर टिप से भी आप यू कैन बी टेक स्पॉट. सो सी एक प्रैक्टिस के अंदर जाने के बहुत सारे डिफरेंट तरीके हैं, डिफरेंट टेक्निक्स हैं. आपको वो टेक्निक चूज करनी है जिस टेक्निक से आप मैक्सिमम कंफर्टेबल फील करें एंड यू फील द मैक्सिमम बेनिफिट. इनिशियल लेवल पर यू कैन टेक द स्पॉट, द वंस यू फील स्ट्रेंथ यू फील द बैलेंस एंड विदाउट स्पॉट यू ट्राई. Without support you try the basic variation. आपको लगे कि आपका level increase हो रहा है then you can be hands up, hands sidewise. You can do some other side bending. So these are the different modifications. Different creativity उसके अंदर चलती है. और थोड़ा precaution रखना है कि अगर if somebody is having the pain in the knee, avoid it. Hip में ज़्यादा stiffness है better you do with the ball. तो ध्यान रखना है इन चीज़ों का भी. ये नहीं कि जो मैंने बता दिया वो आपको करना ही करना है, क्योंकि देखिए हर किसी की अपनी बॉडी है, हर किसी की अपनी फ्लेक्सिबिलिटी है. सो यू हैव टू बी फाइंड अबाउट थिंग्स इन यू बिकॉज यू नो बेटर देन एनीबॉडी अबाउट यू. आप अपने बारे में दूसरों के अतिरिक्त आप अच्छी तरह से जानते हैं. मैं नहीं जानता. मैं आपको टेक्निक दे सकता हूँ, आपको मैं प्रैक्टिस दे सकता हूँ, मॉडिफिकेशंस दे सकता हूँ, उसको करने का तरीका मैं बता सकता हूँ, लेकिन वो आपको चूज करना है कि कौन सी प्रैक्टिस और कौन सा तरीका और कौन सी मॉडिफिकेशंस आपको सूट करती है. सो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए. तो ये हमारा स्टैंडिंग सीरीज था. मैं आपको ज़्यादा नहीं लेके जाऊँगा. हल्का सा हमने साइड बेंड किया, हल्का सा हमने स्ट्रेच स्ट्रेंथ पर काम किया, हल्का सा बैलेंसिंग पर काम किया. सो आई थिंक दैट इज़ इनफ. पिछली जो प्रैक्टिस है वो भी रखनी है, उसके अंदर आज आप स्टैंडिंग प्रैक्टिस भी इंक्लूड कर दीजिए एंड प्रैक्टिस करते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और वेट कीजिए मेरी नेक्स्ट वीडियो. सो ध्यान रखना कि प्रैक्टिस के बाद यू हैव टू बी गिव सम टाइम फॉर रिलैक्सेशन इवन मिनिमम 5 to 10 minutes. सो टेकिंग गुड केयर. थैंक यू सो मच. नमस्ते.